एक्चुअली अभी व्लॉग बनाने का वक्त नहीं है, बट मैंने भाई से सॉन्ग ऑफ करके व्लॉग बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी सबके एक्सरसाइज करने का वक्त है, बट भाई ने मेरे लिए सॉन्ग ऑफ किया। सो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा प्यार देना। हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेग का तीन सबसे बेस्ट वर्कआउट बताऊंगा, तीन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लेग्स का बताऊंगा, क्योंकि लेग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपका बेस होता है। एंड सेकंड थिंग, लेग्स एक्सरसाइज आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करता है, जो कि आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो आज मैं तीन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लेग्स का बताऊंगा, स्पेशली क्वैड्स। ये तीनों एक्सरसाइज हमारे क्वैड्स का होगा। तो फिर एंड हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। जो लोग लेग्स, जिनका वीक है, जो लोग लेग्स पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सो बने रहें। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो लेट्स गो। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा लेग प्रेस, इसलिए मैं स्टार्ट लेग प्रेस से करूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्पेशली क्वैड्स के लिए। तो कभी भी आओ, अगर आप स्टार्टिंग को स्क्वैड से करो, सेकेंड एक्सरसाइज लेग प्रेस करो, बट मैं यहाँ फर्स्ट लेग प्रेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं फिर कैसे करना। आप अभी सबसे पहले आप पोजीशन में आकर अपना फुट एक थोड़ा सा टेंट करिए, तो एक पोजीशन में ये बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपका बॉडी पोस्चर है, जो अपर बॉडी ये पूरा स्ट्रेट रहेगा। अगर ये लो होगा तो फिर आपके बैक इंजरी होने का चांसेस है। इसमें कर्व नहीं रहना चाहिए, नीचे जो बैक के नीचे कर्व है ना, ये नहीं रहेगा, ये पूरा स्ट्रेट रहेगा, पूरा स्ट्रेट। दिस शुड बी स्ट्रेट। नाउ यू हैव टू कीप योर लेग्स लाइक दिस, थोड़ा सा टिल्ट करके इसे रखना। आप अपने अकॉर्डिंग वेट इसमें लगा लेना, ईगो लिफ्टिंग इसमें नहीं करना, क्योंकि ये हैवी वर्कआउट है, इसलिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सरसाइज लगा लेना, अपना सॉरी वेट लगा लेना। नाउ पूरी तरह से आप बॉडी को स्टेबल करके यहाँ पर होल्ड करके एटलीस्ट 2 सेकंड तक होल्ड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल एकदम बैलेंस्ड बने, 8, 9, 10। सो 10 to 12 रिपीटेशन तीन बार इसे करना है। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, स्पेशली आपके क्वैड्स के लिए। फिर आप अपने इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें वेट इंक्रीज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नाउ हमारा सेकेंड एक्सरसाइज स्क्वैट्स रहेगा। बेसिकली लोग लेग हमेशा स्क्वैट से स्टार्ट करते हैं, बट भैया कर रहे थे इसलिए मैंने लेग प्रेस से स्टार्ट किया। तो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज स्क्वैट्स रहेगा। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग वेट लगाकर दोनों तरफ हैंड को इक्वली होल्ड करके पूरा प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेट करके, नाउ लाइक दिस, पहले आपको एक जगह खड़े हो जाना है। अब आपका लेग का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा आप वाइड एंगल कर सकते हो। नाउ थोड़ा सा ग्लूट्स को पीछे करके आपका जो लेग है वो पूरा पैरेलल रहेगा आपके ग्राउंड से। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये पूरा पैरेलल आपके ग्राउंड से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 more, 10. तो ये थी आपकी स्क्वैट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लेग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। सो लेट्स गो। तो हमारा थर्ड एक्सरसाइज स्क्वैट्स का एक्सटेंशन रहेगा। इसमें भी आप मॉडरेट वेट करके अपने पहले सिटिंग पोजीशन में आ जाना, लाइक दिस। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप इसे हैंड से होल्ड करके, जब भी आप वन एटलीस्ट 3 सेकंड के लिए होल्ड, सो दैट आपका मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट करे। 2, 3 सेकंड होल्ड, नाउ स्लोली डाउन, 3, 4, नाउ डाउन, 4, स्लोली डाउन, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
एक चीज़ इम्पोर्टेंट माइंड में रखना, क्योंकि अभी आप तीन रिपीटेशन एक्सटेंशन का करोगे, दिस एक्सरसाइज नेम इज एक्सटेंशन, तो जो लास्ट का आपका रहेगा वो आप हमेशा ड्रॉप करना। लाइक अगर जिस वेट से आप लगा रहे हो वो हमेशा ड्रॉप करके एक्स्ट्रा सेट लगाना, आपके क्वाड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा वो। तो ये थी हमारी तीन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। हमने पहले लेग प्रेस किया वो भी क्वाड्स का, सेकंड हमने स्क्वाट्स किया वो भी क्वाड्स का, एंड द थर्ड वन इज़ लेग एक्सटेंशन, ये भी हमारे क्वाड्स का। तो कभी भी आप लेग करो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेग्स का ये तीन है। अदर तो बहुत सारे हैमस्ट्रिंग भी आते हैं, ग्लूट्स भी आते हैं, बट मैंने सिर्फ ये वीडियो क्वाड्स के लिए बनाया है। एंड दीज थ्री एक्सरसाइज आर द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्स। सो फिर अब चलते हैं। सो ये थी हमारी तीन एक्सरसाइज क्वाड्स की, लेग्स की। कभी भी आपको लेग एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो, या फिर लोअर इंजरी हो, या फिर आप लाइक थोड़ा सा होल्ड करो तो यहाँ पर दर्द हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेग एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करना। तो मैं एक दो स्ट्रेचिंग आपको करके दिखा देता हूँ। जब भी आप लेग का वर्कआउट करो ये स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। तो कहीं पे भी एक लाइक बार टाइप ले लेना, यहाँ पर एक स्टैंडिंग पोजिशन होल्ड लो, एक लाइक यहाँ तक होल्ड करने का, तो कोई भी पोजिशन पर आकर एंड देन इस पर आपको अपना लेग ऐसे पूरी तरह से स्ट्रेट में स्क्वीज करना एंड होल्ड इट फॉर 10 to 15 seconds एंड स्क्वीज लाइक दिस एटलीस्ट 15 to 20 seconds तक आपको ये करना। नाउ फ्रॉम अनदर लेग, ये बस ध्यान रखना कि पूरा लेग आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, तभी ये लोअर पोर्शन पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थी आपकी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जब भी आपको लेग करने के बाद थोड़ा सा पेन हो तो आप ये एक्सरसाइज कर लो। भाई मेरा पेन हो रहा है। आपका बहुत ज़्यादा मैं कर रहा था। तो एक कैसे करना, बस स्ट्रेट रखो थोड़ा, हाँ स्ट्रेट थोड़ा सा 15 to 20 seconds से होल्ड करो। तो एक और एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ स्पेशली, क्योंकि बहुत लोग क्लेम करते हैं कि लेग वर्कआउट करने के बाद हमारा लोअर बैक पेन होता है। तो फॉर दिस आप कहीं पर स्टैंडिंग पोजिशन पे आ जाओ एंड ये आपका हैंड जो है वो पूरा आपके टो से टच होना चाहिए एंड योर लेग शुड बी स्ट्रेट। आप लेग को थोड़ा क्लोज करके लाइक दिस एंड होल्ड इट फॉर 10 to 15 seconds। ये आपका बस एक चीज़ माइंड में रखना है कि आपका लेग्स पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए एंड 10 to 20 seconds। तो ये थी आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। कभी भी आप लेग वर्कआउट करो तो ये दो स्ट्रेचिंग अब हमेशा करो आप। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट्स में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो एंड प्लीज़ थोड़ा सा भाई को प्यार दो, सब्सक्राइब कर दो। सो लव यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।